हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन फॉर फीवर तो फीवर के ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन यूज करते हैं अलग अलग उसी के बारे में हम डिटेल में आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे तो मेडिसिनस के बारे में जानेंगे ऑल्सो अबाउट द डोजेस एंड ऑल्सो अबाउट द वेरियस डिफरेंट देर डोजेस फॉर्म कि कुछ मेडिसिन ऐसी है कि वो टैबलेट के फॉर्म में हम लेते हैं कुछ ऐसी है, है कि जो इन्फ्यूज़न है एंड सम आर ऑल्सो द सस्पेंजन तो ये सभी को हम डिटेल में जानते हैं ये वीडियो लेक्चर में स्पेशली रहेगा मेडिसिनस फॉर द फीवर सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद फार्मा नॉलेज फॉर दैट Subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Farmer Ox. Get the link of Farmer Ox app in description box where you will find the study material in PDF. Also, you can order the study material in printed format. You will get the test series and the video lecture. So, get this facility on their Farmer Ox Android app on Google Play, Apple iPhone app on.

सेवन डिग्री सेल्सियस और फेरन हीट में देखें तो नाइंटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरन हिट तो ये है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और ये नॉर्मल से जब इंक्रीज होता है तो वो कहा जाता है फीवर और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट It is usually around 98.6 degree Fahrenheit and in Celsius it is 37 degree Celsius. Fever is also called a pyrexia, जिसको हम pyrexia भी कहते हैं। तो जो fever की जो हम treatment करते हैं अलग-अलग तो specially medicines दी जाती है patient को, फिर न्यूट्रिशन से भी आप उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जब मेडिसिन के साथ जरूरी है प्रॉपर न्यूट्रिशन की जिसके अंदर आप प्रॉपर उसको वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह देते हैं एनर्जी ड्रिंक्स कि जिससे बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे उसके लिए एनर्जी ड्रिंक पेशेंट को अच्छे से हम करवाते हैं रेस्ट कि अच्छे से वो आराम करें रेगुलर उसका बॉडी टेम्परेचर आप चेक करते रहते हो फिर नीड ऑफ प्रॉपर स्लीप आइस वाटर बैग यहाँ पे रखी है ये आइस वाटर बैग हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एनवायरमेंट तो ये हमारा लेक्चर है स्पेशली ऑन मेडिसिन तो ट्रीटमेंट ऑफ फीवर की रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स इन माइनर कंडीशन मेडिकेशन इजेंट नीड ऑन अर्जेंट बेसिस की जब समझो कि माइनर फीवर है आपको तो अर्जेंटली इमरजेंसी में कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है बट आपके सिम्टम्स थोड़े इंक्रीज uh, हो रहे हैं कि लाइक सीवियर हैडेक भी हो रहा है साथ में आपकी नेक uh, के अंदर स्टिफनेस आ चुकी है ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है एंड अदर अनयूजल साइंस एंटी सिम्टम्स यू डेवलप देन मस्ट कॉल द डॉक्टर तो उस वक्त पेशेंट को अच्छे से हमें रेस्ट करवाना चाहिए स्पॉन्ज द बॉडी की फ्लूड इंटैक प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम में आप उसको रखो वियर लाइट एंड एयर एयरिक्लोस की जिसके प्रॉपर पेशेंट को uh, हवा मिले उसकी बॉडी को एवॉयड गोइंग टू क्राउडेड प्लेस कवर योर माउथ एंड नोस की जो माउथस पहन मास्क पहनने की यहाँ पर बात है स्पेशली एंड एवॉयड द स्मोकिंग तो मेडिसिंस तो मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं फीवर के लिए वो कही जाती है एंटीपायरेटिक मेडिसिंस तो काफ़ी सारी ऐसे मेडिसिन के कि जो ओवर द काउंटर एंटीपायरेटिक मेडिसिंस मेडिसिन हमें मिल जाएगी और वो है सबसे फेमस एंड पॉपुलर एसिटामिनोफेन कि जिसका नाम है पैरासीटामोल कि पैरासीटामॉल को हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं तो यह है ओ एंटीपायरेटिक उसके अलावा नॉन स्टेर एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि एस्पीरिन है आईब्यू एंड नेप्रोक्सेन भी हम यूज करते आईब्यूब्रोफेन टैबलेट्स पेन रिलीवर एंड फीवर रिड्यूसर लिखा है नसेड्स नॉन कि नॉन स्टेर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तो एसिटामिनोफेन एंड आइबूब्रोफेन आर द टू मोस्ट वाइडली यूज एंटीपायरेटिक्स कि ये जो दो एंटीपायरेटिक ड्रग है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है फीवर के ट्रीटमेंट के अंदर कि एसिटामिनोफेन की जो पैरासीटामोल एंड आइब्यूब्रोफेन तो एसिटामिनोफेन जिसको टाइलेनॉल और पैरासीटामॉल भी हम कहते हैं तो पैरासीटामोल ऑल्सो नॉन एज एसिटामिनोफेन मेडिकेशन यूज टू ट्रीट पेन एंड फीवर की पेन एंड फीवर की जब किसी को फीवर होता है तो बॉडी पेन भी करती है बॉडी टेम्परेचर भी हाई होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए यह मेडिसिन दी जाती है जिसकी यूजुअल स्ट्रेंथ रहती है एक टैबलेट खासकर फाइव हंड्रेड के अंदर आता है तो पेशेंट को आप टू टाइम्स अ डे दे, दे सकते हैं या फिर ज़्यादा फीवर हो तो थ्री टाइम्स अ डे टी और ओ ज़्यादा प्रिफर कर सकते हैं बिकॉज एक्सेसिव डोज लेने से भी फिर साइड इफेक्ट्स होती है इट इज़ टिपिकली यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन फी रिलीफ एविडेंस इज मिक्स फॉर इट्स यूज टू रिलीव फीवर इन चिल्ड्रन। बच्चों के लिए भी यूज़ होती है कि जिसको हम कहते हैं पैरासीटामोल कीड इवन चिल्ड्रन्स के लिए उसके सिरप सस्पेंजन फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं फिर इट इज सोल्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिकेशन लाइक सेट्रीजिन कि सेट्रीजिन के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन रहता है पैरासिटामल का और पैरासिटामल का विथ सी पी एम कि जब कॉफ एंड कोल्ड की कंडीशन होती है कि पेशेंट को फीवर है प्लस कॉफ जैसा भी है एंड ऑल्सो द कोल्ड तो उस वक्त हम ये कॉम्बिनेशंस प्रेफर करते हैं दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट पैरासीटामॉल के जो पॉपुलर कॉम्बिनेशंस और कुछ देखें तो पैरासीटामल का कैफीन के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो ये भी एक बेस्ट रहता है टू ट्रीट द फीवर उसके बाद पैरासीटामोल का डोमपेरिडोन के साथ कॉम्बिनेशन रहता है कि डोमपेरिडोन यूजरी यूजर ही नोजिया वॉमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है तो जब पेशेंट को नोज़िया भी है वॉमिटिंग जैसा भी है तो उस वक्त और फीवर भी है तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहता है टू तो ट्रीट फीवर उसके बाद पैरासीटामोल के साथ कोडिन फॉस्पेट की कॉफ एंड कोल्ड भी है तो कोडिन इफेक्टिव रहता है फिर ज़्यादा पेन हो रहा है तो थ्री टू ट्वेंटी फाइव एम जी का पैरासीटामोल और 100 एम जी है की जो स्पेशली हम कहते हैं एनालिसिक है पेन किलर है एसिक्लोफेनक डाइक्लोफेनिक और उसका कॉम्बिनेसन पैरासीटामोल के साथ फिर उसका डाइफिन हाइड्रेमाइन फिनाइलेफ्रीन एंड कैफिन के साथ भी उसके कॉम्बिनेसन है ये वाला आप देख सकते हैं कैफिन डाइफिन हाइड्रेमाइन एंड फिनाइल के साथ उसका कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरासीटामल का फिनाइल 500 फाइव हंड्रेड एम जी प्लस ट्वेल्व पॉइंट टू एम जी भी है कि पैरासीटामल रहेगा उसके अंदर फाइव हंड्रेड एम जी एंड फिनाइल रहेगा ट्वेल्व पॉइंट टू एम जी तो ये पॉपुलर कॉम्बिनेशन से भी पैरासीटामॉल यूज़ होता है तो उसके पॉपुलर हम डोजेस हम देखें कि जो हम यूज़ करते हैं तो टैबलेट्स के फॉर्म में फिर इन्फ्यूजन आई वी आई पी एज पर द इंडियन फार्माकोपिया और इंट्रावेनसली इसको दिया जाएगा पेशेंट को वन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मीन्स वन ग्राम इन हंड्रेड एम एल फिर पैरासीटामोल का ये देख सकते हो सस्पेंशन कि पैरासिटामॉल हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफिनइर मेलेट का सस्पेंशन के स्पेसली ये बेबीज के लिए एज वेल एज चिल्ड्रन के लिए उसको हम प्रीफर करते हैं सेक वेल बिफोर यूज खास उसके ऊपर डायरेक्शन रहती है कि ये सस्पेंशन होता है इसलिए आपको प्रॉपर जो है वो बॉटल सेक करनी होती है बिफोर द यूज और एज पर द डायरेक्शन यहाँ पे भी लिखा है डोजेस बिलो द वन ईयर वन हाफ वन टी स्पून फूल थ्री टाइम्स अ वन टू फाइव ईयर्स का चिल्ड्रन है तो वन टू टू टी स्पून फूल तो प्रॉपर डायरेक्शन भी वहाँ पे लिखी हुई होती है तो पैरासीटामल इज़ ए कॉमन पेन किलर फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ऑफन यूज टू ट्रीट हैड एक स्टमक कैके एरेक एंड कोल्ड सिम्टम्स इट ऑल्सो बी यूज टू बीग डाउन ए हाई टेम्परेचर की जिसको हम कहते हैं फीवर एंड इट इज़ अवेलेबल एज अ सीरप और सस्पेंजन की ये काफ़ी फेमस ब्रांड आपने सुनाई होगा कि कॉम्बी फ्लेम सस्पेंजन की जो सनोफी की प्रोडक्ट है आईबू ब्रूफिन एंड पैरासीटामोल सस्पेंजन एज पर आर एक्स प्रॉपर प्रिस्क्रिप्सन के साथ आपको मिलता है बिकॉज जब आप उसको चिल्ड्रंस के लिए यूज़ करते हैं तो ज़रूरी होता है प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के ही उसको यूज़ करें आप फिर पैरासीटामोल का जो सॉल्यूशन होता है इन्फ्यूज़न होता है कि रिलीव द पेन एज़ वेल एज एंटीपायरेटिक लोअर द फीवर एंड इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट पेन स्पेशली फॉलोविंग द सर्जरी की जब सर्जरी के दौरान पेशेंट को समझो कि ड्रिप की भी ज़रूरत है तो उस वक्त ये इन्फ्यूज़न उसको लगाया जाता है एज वेल एज़ पेशेंट अनकॉन्शियस है कि वो टैबलेट लेने के पॉसिबल नहीं है टैबलेट या फिर सिरप तो उस वक्त पैरासिटामोल को एज़ अ इन्फ्यूज़न उसके बॉडी के अंदर हम दे सकते हैं बाय इंट्रावेनसली तो ये था पैरासीटामोल की स्पेशली एज अ सॉल्यूशन और वो रहता है 10 एम पर एम एल सॉल्यूशन की 1 एम के अंदर रहता है टेन एम जी तो मतलब कि हंड्रेड एम एल के हंड्रेड एम जी रहेगा टेन एम एल के अंदर एंड वन थाउजेंड एम जी रहेगा हंड्रेड एम एल के अंदर और वन थाउजेंड एम जी इज इक्वल टू वन ग्रामीण हंड्रेड एम एल तो वो कॉन्सिड्रेशन हो गई वन परसेंट तो इसलिए यहां पे लेबल लिखा है वन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम की वन परसेंट तो पैरासीटामोल टेन एम जी पर एम एल सोल्यूशन जो स्पेशल यूज होता है एज अ इन्फ्यूजन अब उसके साइड इफेक्ट्स भी जानना जरूरी है तो एन एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है विच कैन कोज रैस एंड स्वेलिंग कि समझो कि किसी को एलर्जी होती है पैरासीटामॉल से तो स्वेलिंग हो सकती है लीवर डैमेज हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं हिपेटोटॉक्सीसिटी फ्लसिंग लो ब्लड प्रेशर एंड अ फास्ट हार्ट बीट और यह कब होता है कि दिस कैन समटाइम्स हैपन व्हेन पैरासिटाम इज गिवन इन ए हॉस्पिटल इन टू योर वेन की आर्म्स के अंदर जब वेन में दिया जाता है इंजेक्शन तो ये पॉइंट मैं यहां पे इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जब किसी पेशेंट को वेन के अंदर पैरासीटामोल इंजेक्शन से या फिर आईवी वी इन्फ्यूज़न से दिया जाता है तो फ्लसिंग हो सकता है लो ब्लड प्रेशर एंड हार्टबीट जो है उसके फास्ट हो सकते हैं तो ये आपको अच्छे से याद रखना है तो नेक्स्ट डार्क uh, यूरिन हो सकता है पेशेंट का एज वेल एज क्ले कलर स्टूल हो सकता है कि पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स कि जब कोई पर्सन उसको एक्सेसिव यूज करता है व्हेन सम वन यूज इन एक्सेसिव एक्सेसिव यूज से ये साइड इफेक्ट्स उसकी हो सकती है नेक्स्ट फेमस आईबो कि जिसको ब्रुफेन से भी काफ़ी फेमस है तो आईव्यू इज ए मेडिकेशन इन द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कि जिसको क्लास दिया है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नॉन स्टेरॉयडल है कि ट्रीटिंग द पेन एज वेल एज फीवर एंड इन्फ्लामेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसको दिस इंक्लूड्स द पेनफुल मैंटूरेशन पीरियड माइग्रेंस एंड रोमेटोड आर्थराइटिस तो समझो कि पेनफुल मैंटूरेशन में भी आप उसको दे सकते हैं माइग्रेनस के अंदर एंड रोमेट आर्थराइटिस के अंदर ये काफ़ी यूजफुल है तो सामने उसके साइड इफेक्ट्स भी है कि जब कोई पर्सन एक्सेसिव यूज करता है विदाउट प्रॉपर फिजिशंस डायरेक्शन तो स्टमक पेन हो सकते हैं हार्ट बर्न हो सकता है कि हार्ट बर्न अपसेट स्टमक कि जिसको हम कहते हैं स्टमक पेन हार्ट बर्न नॉजिया हो सकता है बेसन को वामिटिंग हो सकती है गैस हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं ब्लोटिंग एंड बम्पिंग फिर रिंगिंग इन ईयर कॉन्स्टिपेशन कुछ केस में कॉन्स्टिपेशन कुछ केस में डायरिया हेडेक एंड ऑल्सो द डिजीनेस तो ये है कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ ए आई ब्रोफेन तो ये थी मेन मेडिसिन की जो हम यूज करते हैं फीवर के अंदर कि जब किसी को वायरल फीवर होता है उस वक्त हम कॉम्बिनेशन भी यूज करते आ, कि समझो कि पैरासीटामोल के साथ आप कॉम्बिनेशन में कोई एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं कि लाइक एजिथ्रोमाइसिन आप किसी को देते हैं साथ में एसिडिटी ना हो इसलिए आप आ, कोई भी एंटासिड एक प्रीफर की जाता है साथ में कैंटासिड्स के, के अंदर आप आ, कोई भी नॉर्मल एंटासिड भी दे सकते हैं लाइक फेमोटिडिन दे सकते हैं समझो कि फेमोटिडिन पेशेंट को प्रीफरेबल नहीं है तो आप उसको ओमिप्राजल पेंटोप्राजल्स भी दे सकते हैं कि जो हायर प्रोटॉन पंप इन्हीबिटर है कि जो एसिडिटी रिड्यूस करते हैं फिर पेशेंट को समझो कि हो रहा है नोज़िया वॉमिटिंग तो उस वक्त डॉम पेरीडोन ऑनडेनसेट्रॉन बी दिए जाते हैं कॉम्बिनेशन में तो ये है प्रॉपर मेडिसिन विच आर यूज टू तो ट्रीट फीवर इफ़ यू लाइक द कंटेंट मस्ट जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स कि जहाँ पे आपको और ऐसे वीडियो लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे तो व्हाट्सएप ऑन नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स एंड योर नेम And city name in WhatsApp on 94261 80836. So be updated with farmer knowledge. further subscribe the channel and press on the bell icon. Also, use their farmer rocks for study material, test series, and video lecture. So download their from Google Play Store for the Android user and App Store for Apple iPhone users. Get the link in description box.